हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, आज हम लोग की दिवाली नहीं है, क्योंकि घर में कुछ ऐसा ही हो चुका था। हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग के घर में पूजा वूजा कुछ थी नहीं, तो हम लोग हो गए थे बोर। हमने कहा चलो कुछ नहीं तो थोड़ा सा इवनिंग का माहौल देख के आते हैं बाहर, देखते हैं लोग के घरों में कैसे कैसे दीप जले हुए हैं, कैसे दिवाली मना रहे लोग। बस तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आज आपको दिखाएंगे हम लोग राजेंद्र नगर का मार्ग दिखाएंगे। देखते हैं वहाँ की कैसी मार्केट सजी हुई है। और आज वैसे थोड़ा ट्रैफिक भी कम है, क्योंकि लोग बाग अपने घरों में चले गए हैं दिए जलाने, पूजा वूजा करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग भी। तो गाइस देखिए, इवनिंग टाइम चल रहा है अभी और लाइटें जल चुकी हैं, सब ने ऑन कर दिए, कुछ अभी रह गए। तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं शेयर। बढ़िया भी हो रहा है, बढ़िया अच्छा मौसम हो रहा है। जोशी ठंडा हो रहा है? ठंडा तो हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी घूमने में। वैसे ठंडा ठंडा लग रहा है और रोड पूरी खाली है, तब तो और मज़ा आ रहा है। यूनिक सा भी अच्छा लगता है कभी कभी। ये भगवान के सारे तारे पृथ्वी पर चले आए हैं और लोगों ने चुन चुन के तोड़े हैं तारे। लोगों की शॉपिंग अभी भी चल रही है। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, यहाँ के दर्शन हम आपको करा चुके हैं। राधे राधे। दिवाली से, इस दिवाली के शुभ अवसर पर मार्केट बिल्कुल सजा हुआ है, बहुत सुंदर। और हम जिस जगह जाने वाले हैं वो है ये। आज यहाँ भीड़ बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने मैक्सिमम शॉपिंग कर ली है। हम तो बस ऐसे घूमने के उससे आए हैं, तो हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये है राजेंद्र नगर का मार्केट। ये देखिए जोशी जी ने अपनी गड्डी लगा दी है लाइन पे। तो जोशी जी पार्किंग पे लगा रहे हैं। स्पेशल मार्केट लगती है, वो स्पेशल मार्केट दिखाएंगे हम आपको। हाँ। घर के डेकोरेशन के लिए देखिए, ये ऐसे लगती है ये मार्केट। जो भी आपको लेना है यहाँ से ले सकते हैं। रोड के दोनों तरफ मार्केट। अब आधा माल बिक भी चुका है लोगों का, दुकान वालों का। लोगों की भीड़ अभी भी दिवाली के दिन भी। ये क्या देख रही हो? कल परसों बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो अब आज दिवाली का दिन है, आज इसलिए भीड़ कम हो गई है और माल भी लोगों का बिक चुका है। और ये लोग आज भी शॉपिंग करते हुए, बट ये रंगों की क्या जरूरत है? कोई मुझे बता सकता है? मार्केट है, मार्केट में दुकानें अब काफी हल्की हो चुकी है, क्योंकि 3-4 दिन से ये मार्केट लगा हुआ है और माल बिक चुका है सर। दिवाली के आखिरी टाइम तक लोग तैयारी में जुटे हुए हैं बिल्कुल। ये देखिए
घर को सजाने के लिए डेकोरेशन आइटम्स और ये पूरी ऐसे लगा रखा बीच में। हरी इमली आ गई, लाल इमली आ आज मार्केट में रश बहुत कम, सब लोग अपनी शॉपिंग करके जा चुके हैं। बस तो बस ठंडी के सीजन में आम खाने का यही मजा है, इसे ले लो और आम खाते रहो। भैया को हैप्पी दिवाली। और भैया हमारे आज से नए सब्सक्राइबर हो चुके हैं और यूट्यूब चैनल है, और भैया का भी यूट्यूब चैनल है। दिखाते हैं भैया की दुकान। भैया यहाँ 27 साल से दुकान लगा रहे हैं ना, 27 साल से दुकान लगा रहे हैं। वो सूप जो बीना को बहुत याद दिलाता है नैनीताल की। गाइस इस सूप में आप देख रहे होंगे जो एक लक्ष्मी मैया का जो मुखौटा बना हुआ है, ये हमारी नैनीताल क्षेत्र में और हल्द्वानी क्षेत्र पे, तो इसकी लक्ष्मी बनाई जाती है गन्ने से। तो मैंने यूपी में ये देखा है कि केवल यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिलती है, हमारे वहाँ केवल मुखौटा मिलता है, इसी को ही गन्ने से सजाया जाता है, जो बहुत ही प्यारी होती है और खुद हाथों से बनाई जाती है। तो मैं 5 साल से आज पहली बार देख रही हूँ। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं घर को, बैठ चुके हैं हम लोग अपनी गड्डी पे और तो गाइस इस बार की हमारी दिवाली ऐसी रही। तो हम लोगों ने तक कुछ किया कुछ नहीं, हम लोगों ने बस ऐसे ही हम लोग भटकते रहे, बस ऐसे ही हमने घूम घाम के मना ली दिवाली, कोई बात नहीं। तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को, पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। आप बम फोड़िए, पटाखे फोड़िए, खूब दबा कर फोड़िए, जेब खर्चा करिए, अपना जेब खाली करो, अपने हस्बैंड का और मम्मी पापा का सबका, और सेफ रहिए, पर केयरफुल होकर के पटाखे जलाइए और दबा कर मिठाइयाँ खाइए। बाय बाय।